हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2B में बता रखी है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रपोजल क्या होता है, मतलब कि ऑफर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। सेक्शन 2B बताता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल हैज़ बीन मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, द ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। मतलब जब वो सिग्निफाई कर देता है अपनी असेंट, तो उसको क्या मानते हैं, एक्सेप्टेंस। दस द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। इसका मतलब है जब किसी ने किसी को ऑफर दिया और दूसरे व्यक्ति ने उसका एक्सेप्टेंस कर लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस। आगे देखते हैं, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन टू होम द ऑफर वॉज मेड। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस उसी इंसान की तरफ से आनी चाहिए जिसको हमने ऑफर किया है, मतलब कोई थर्ड व्यक्ति आकर उसके बिहाफ पे एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रपोजल और ऑफर, इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन इट वॉज मेड टू। नो थर्ड पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर ही कैन एक्सेप्ट द ऑफर। आगे देखते हैं, इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, वो किसी और किसी कंडीशंस के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई कंडीशन लगा देते हैं एक्सेप्टेंस में, तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है, बल्कि उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए ने बी से कहा कि वो अपनी साइकिल 2000 रुपये में बी को बेचेगा। बी कहता है कि नहीं, साइकिल 1500 की बेच दी जाए, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है, ये एक काउंटर ऑफर है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ बताई गई है कि अगर एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर बता रखा था ऑफरर ने कि आप इस तरह से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा, तो एक्सेप्टर को वैसे ही एक्सेप्टेंस करनी चाहिए। पर अगर कोई उन्होंने कोई स्पेसिफाइड मैनर नहीं बता रखा है, तो रीज़नेबल मैनर जो भी हो, उस तरह से एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अब देखते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑफरर में भी था और जो कि एक्सेप्टेंस में भी है। इसमें क्या है कि जब हम ऑफ़र देते थे, तो उसका मेन चीज़ क्या था कि ऑफ़र कम्युनिकेट होना चाहिए कि हम किसे दे रहे हैं ऑफ़र। वैसे ही एक्सेप्टेंस के साथ है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई ऑफ़र, तो उसका कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ऑफरर तक ये बात पहुँचनी ज़रूरी है कि आपने एक्सेप्टेंस किया है, इसलिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। फिर आगे देखते हैं क्या है मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आप कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी ऑफर को। वो है, पहला बाय द एक्सप्रेस वर्ड्स, दूसरा है बाय राइटिंग, और तीसरा है बाय कंडक्ट। एंसन ने क्या कहा था एक्सेप्टेंस के बारे में, इनकी एक डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि एक्सेप्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेप्टेंस इज़ टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज़ टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब मैच जो काम करती है गन पाउडर के साथ, वही एक्सेप्टेंस का भी काम है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑफर आया, एक्सेप्टेंस हुआ, एक प्रॉमिस बन गया। ये प्रॉमिस क्या हो गया, आप इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने लग गए, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं कि क्या चुप रहना एक्सेप्टेंस में आता है, कि जैसे किसी ने हमें कोई ऑफर दिया और हम चुप रह गए, तो क्या ये एक्सेप्टेंस में आता है? तो आंसर है नहीं। मेयर साइलेंस कैन नेवर टू द ऑफर बीइंग एक्सेप्टेड। ये कभी भी एक्सेप्टेंस के फॉर्म में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि ऑफर क्या होता है, उसी में हमने बताया था कि ये बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर। क्यों? क्योंकि इनविटेशन ऑफर सिर्फ एक प्रीलिमिनरी नेगोशिएशंस होते हैं। जैसे हम लोगों से पूछते हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ऑफ़र क्या है और इनविटेशन टू ऑफर क्या है। तो जो अल्टीमेट टेस्ट है इसको डिटरमाइन करने का, वो है इंटेंशन। किस इंटेंशन से स्टेटमेंट में बताया गया था, किस इंटेंशन से स्टेटमेंट मेड किया गया था। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है हार्वे वर्सेस फेसी, जिसमें एक बम्पर हॉल पेन था, उसके बारे में पूछा गया था, एक लैंड था, उसके बारे में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को पूछा टेलीग्राम करके कि ये इसका लोएस्ट प्राइस क्या है। डिफेंडेंट ने बता दिया इसका लोएस्ट प्राइस क्या है, तो प्लेंटिफ ने कहा ठीक है, हम इतने में इसे एक्सेप्ट करते हैं, पर डिफेंडेंट ने उतने में ये लैंड देने को मना कर दिया। तो इसमें ये बताया गया कि ये ऑफ़र नहीं था, ये सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र था। लोएस्ट प्राइस बता देना सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफ़र ही माना जाएगा। दूसरा केस है मैकफर्सन वर्सेस अपर्णा। आगे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, कैटलॉग ऑफ गुड्स फॉर सेल, रिक्वेस्ट फॉर लोन, एडवर्टीजमेंट फॉर टेंडर, ये सब एग्जांपल्स हैं इनविटेशन टू ऑफ़र। थैंक यू।